भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन लगभग दोनों टीमों के नाम रहा। भारतीय गेंदबाजों ने पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया और साउथ अफ्रीका का स्कोर 335 रनों पर ही रोकने में कामयाब रहे। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत एक बार फिर खराब रही और मात्र 28 रन पर केएल राहुल और चितेश्वर पुजारा के रूप में उसने अपने पहले दो विकेट गंवा दिए थे, लेकिन बाद में ओपनर मुरली विजय के साथ मिलकर कप्तान विराट कोहली ने पारी को संभाला। हालांकि मुरली विजय कोई लंबी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने 46 रनों की छोटी लेकिन सूझबूझ भरी पारी खेली। मिडल ऑर्डर में रोहित शर्मा और पार्थिव पटेल पहली पारी में कोई छाप नहीं छोड़ पाए। रोहित शर्मा 10 और पार्थिव पटेल मात्र 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना लिए थे और अभी भी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के पहली पारी के स्कोर से 152 रन पीछे है। लेकिन टीम इंडिया के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 11 और कप्तान विराट कोहली 85 रन बनाकर क्रीज पर अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल विराट कोहली अपने टेस्ट करियर का एक और शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप अपनी राय जरूर दें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।